बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति, जो कि आपकी सेकंड बुक का है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इस पूरे ही चैप्टर को एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से समझें, यानी कि वन चैप्टर वन शॉट। बस आपको करना क्या है, पूरा फोकस होकर इस वीडियो को एंड तक देखना है और मैं ये आशा करता हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहने। फिर भी कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना बच्चों, ये हमारी आईडी है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो वहां से ज्वाइन कर लेना या फिर सर्च कर लेना जीएसके 12th क्लास। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी। तो इस चैप्टर की शुरुआत में आपको ना तकरीबन 2 से 3 पेज देखने को मिलेंगे। उन 2 से 3 पेजों में ना बहुत सी कंफ्यूजन वाली बातें लगी है, कंफ्यूजन है वहां पे, उसका कंक्लूजन यहाँ पे मैं देता हूँ। तो इसकी शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 1 से। जब भारत आजाद होता है तो इसके सामने मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौतियां होती हैं। इसमें सबसे पहली चुनौती होती है एकता के सूत्र में बांधना। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, भाषा के आधार पर बहुत विभिन्नता थी, जाति के आधार पर विभिन्नताएं थी, संस्कृति के आधार पर विभिन्नताएं थी, तो ऐसे में इन सभी को एकजुट करना बहुत ही अहम कार्य था। दूसरा, लोकतंत्र स्थापित करना। जैसा कि अंग्रेज भारत को आजाद करके गए थे तो ये अपने पीछे 150-200 सालों के बाद एक गरीब और दरिद्र भारत छोड़ के गए थे, जिनमें लोगों को स्वतंत्रता, समानता, आजादी, कहीं कहीं पे तो इन चीजों का पता ही नहीं था, वो गुलाम भरी जिंदगी जीना पसंद करते। तो ऐसे में लोकतंत्र कैसे स्थापित किया गया, ये चुनौती थी। अब जो तीसरी हमारी चुनौती है, ये है इस चैप्टर का मूल आधार। कैसा आधार भाई, समूचे समाज का विकास करना, अर्थात सरकार के द्वारा ऐसे नियम कायदे कानून बनाए जाएं जिससे कि पूरे देश का, नागरिकों का विकास हो। अब यहाँ पे बात उठती है नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजन यानी कि विकास की अवधारणा के बारे में। विकास की अवधारणा में सबसे पहले नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, तो देखो नियोजन का अर्थ मतलब क्या होता है, पहले हम एक योजना बनाएंगे, ठीक है, फिर बाद में उस योजना पे क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, और यही कहलाता है नियोजन। तो यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि किसी देश की सरकार के द्वारा ये तय करना, किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा ये तय कर दिया जाए कि उनके देश में किस चीज का उत्पादन किया जाएगा, कितना उत्पादन किया जाएगा, और इस उत्पादन का वितरण कैसे होगा, उसका मूल्य क्या रहेगा, और ये जो प्रक्रिया है, कितना उत्पादन, क्या उत्पादन होगा, वितरण कैसे होगा, मूल्य कैसे यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा, ये जो विकास की योजना होती है इसी योजना को कहते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार के द्वारा पहले नीतियां बनाई जाए और उन नीतियों को फिर कार्यान्वित किया जाए। जैसे कि भारत सरकार के द्वारा सिंचाई के संबंध में, बिजली उत्पादन के संबंध में, भाखड़ा नांगल हीराकुंड, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं जिससे बिजली उत्पादन बढ़ाया गया, सिंचाई बढ़ाई गई, अर्थात इससे खाद्यान्न उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ भारी उद्योग जैसे कि इस्पात संयंत्र उद्योग, तेल शोधक कारखाने, विनिर्मित इकाइयां, रक्षा उत्पादन संबंधित, ऐसे बहुत से विकास के तरीके अपनाई गई जिससे आम लोगों को रोजगार मिले और उनका विकास हो। इस संबंध में परिवहन और संचार ने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये है नियोजित व्यवस्था का अर्थ, और यहाँ से होती है हमारे चैप्टर की शुरुआत। तो यहाँ पे ये देखा गया कि विकास के लिए कुछ अवधारणाएं हमारे सामने होनी चाहिए। तो बेसिकली भारत ने ये तय किया कि आजादी के पश्चात जो भी फैसले हम लेंगे वो भारत के आर्थिक विकास के संबंध में होने चाहिए, ताकि क्योंकि देखो भारत बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था, उसके पास पैसा वगैरह था नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले जो भारत सोने की चिड़िया था, लोगों का मानना है अंग्रेजों के जाने के बाद वो एक मिट्टी की चिड़िया बन के रह गई, सिर्फ कुछ नेताओं को छोड़ने तो, ठीक है। तो इसलिए जो फैसले लिए गए वो आर्थिक विकास के आधार पर लिए गए। अलग अलग व्यक्ति की यहाँ पे अलग अलग अवधारणाएं थी, जैसे कि कई व्यक्ति ये कहा करते थे कि विकास केवल अधिक व्यवसाय के आधार पर, अधिक उद्योगपतियों के आधार पर या फिर किसानों के आधार पर नहीं हो सकता है। दूसरी अवधारणा ये कही गई कि भारत को यदि विकास करना है तो पश्चिमीकरण को अपनाना पड़ेगा, अर्थात जो पश्चिम में तत्व हैं वो अपनाने होंगे, पश्चिमी देशों के जो ऑलरेडी विकसित है, यानी कि आधुनिकीकरण को अपनाना होगा। तो जब भारत ने देखा कि हमारे सामने ये ऑप्शन है तो इसके सामने 2 विकास के मॉडल निकल के आए। पहला मॉडल था विकास का समाजवादी, ये ऐसा मॉडल था जो समाजवाद पर, यानी कि बेसिकली अपने आप को विश्व से काट कर खुद ही यहाँ पे आप प्रोडक्शन करो, खुद ही उसका कंज्यूमर बन जाओ,
ये होता है समाजवादी में। पूंजीवाद, उत्पादन भी करो बेचो भी, उत्पादन किए हुए माल को दूसरे देशों से खरीदो भी, अर्थात पूंजीवाद यानी कि उदारवाद, जो कि यूरोप के कुछ हिस्से और अमेरिका के द्वारा अपनाया गया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और आजादी से पहले भी, हमेशा से इसने यूएसएसआर के समाजवादी मॉडल का यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं पक्ष लिया था, हालांकि उसको समर्थन किया था, लेकिन कभी भी ना तो इसने पूंजीवादी को अपनाया ना ही तो इसने समाजवादी को। देखो अब भारत के संदर्भ में विकास की अवधारणा कौन सी अपनाई जाए, इसको लेके बहस छिड़ गई। कैसी बहस? उदारवादी पूंजीवादी अर्थात औद्योगिकरण अपनाया जाए, समाजवादी यानी कि अपने आप को देश से काट लिया जाए, कृषि उत्पादन में बढ़ावा दिया जाए, इस चीज को अपनाया जाए। तो इस संबंध में जब तक ये बहस चल ही रही थी, उस संबंध में आया यहाँ पे बॉम्बे प्लान। ये बॉम्बे प्लान क्या था भाई? तो बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह था जिसने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया, और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि सरकार को औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश में बड़े कदम उठाने चाहिए जिससे कि उद्योगों को तेजी से विकसित किया जा सके। ठीक है, तो बहस छिड़ी कि समाजवाद अपनाएं या फिर उदारवाद अपनाएं, तो इसी चीज में आ गया बॉम्बे प्लान 1944 में, जिसमें उद्योगपति के बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, उद्योगों के, वो कहते हैं कि सरकार को नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारे यहाँ पे कदम उठाने चाहिए ताकि उद्योगों पर विकास दिया जाए। तो सरकार ने इसी कदम में, नियोजित अर्थव्यवस्था के कदम में बनाया योजना आयोग। योजना आयोग अस्तित्व में आया और प्रधानमंत्री इससे अध्यक्ष बने। तो ये आपको समझ में आ गया विकास की अवधारणाओं के बारे में, कि चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। बाद के समय में विकास से कई मॉडल आए, उसने किसी को भी नहीं अपनाया, उसने बनाया अपना एक आयोग, योजना आयोग। योजना आयोग है क्या? तो बेसिकली ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना होती है मार्च 1950। इसके जब ये स्थापित होता है तब इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जो कि थे जवाहरलाल नेहरू जी। योजना आयोग के कई कार्य थे जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों के बीच में धन को आवंटित करना। हालांकि ये अपने कार्य सही तरीके से कर रहा था लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, तो इसी को देखते हुए 13 अगस्त 2014 को इसे स्थगित कर दिया जाता है और इसकी जगह पे आता है एक नया आयोग 1 जनवरी 1950 को, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग कब बना? जब योजना आयोग की समाप्ति हो गई 1 जनवरी 2015 को ये बन गया। नीति आयोग की संरचना की हम बात करते हैं, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे कि प्रथम जो थे इसके नीति आयोग के अध्यक्ष वो थे अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। सीईओ की बात करें तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, साउथ के हैं परमेश्वरन अय्यर। आखिर नीति आयोग के उद्देश्य क्या थे? अगर योजना आयोग चल ही रहा था तो उसे खत्म क्यों किया गया? फिर ये नीति आयोग के उद्देश्य क्या बने? देखो सबसे पहले उद्देश्य देशों के विकास की नीतियों में क्रियान्वयन को तेज करना। योजना आयोग हालांकि तो अपना कार्य सही ढंग से रहा था लेकिन अब हमें जरूरत थी तेजी से विकास की, तो देश के विकास की नीतियों का क्रियान्वयन तेजी से करने के। दूसरा, योजना आयोग केवल क्षेत्रीय आधार पर कार्य कर रहा था लेकिन हमें चाहिए था ऐसा आयोग जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में समन्वय को बढ़ा सके। विकेंद्रीय नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना, अर्थात विकेंद्रीय नीति की जगह हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग नीति को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाए और कार्यान्वित करो, अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रों पर आधारित योजनाएं बनाए और उसको कार्यान्वित करते हुए उन लोगों का विकास करें। और सबसे आखिरी, देशों के विकास में राज्य और जो जनता की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करता है नीति आयोग। तो भारत के सामने जब विकास के कुछ मॉडल सामने आते हैं तब वो इन दोनों में से किसी भी मॉडल को नहीं अपनाते हैं, वो अपने लिए बनाते हैं आयोग। पहला योजना आयोग 15 मार्च 2000 सॉरी 15 मार्च 1950 को,
दूसरा आयोग बनाया इन्होंने उसी के उत्तराधिकारी के रूप में कह सकते हो, 1 जनवरी 2015। इन आयोगों के पश्चात होती है असली कहानी की शुरुआत। क्या कहानी की शुरुआत रही है? देखो कहानी की शुरुआत होती है अब पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, जब ये देख लिया गया नीति आयोग, योजना आयोग, विकास के मॉडल, सब कुछ हमने देख लिया, सब कुछ हमने बना लिया। अब यहाँ पे बारी ये आती है कि जब योजना आयोग बना उसके पश्चात भारत में कैसी पंचवर्षीय योजनाएं आई, क्या वहां पे उनकी विशेषता रही। तो विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए सबसे पहले आई प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 5 साल के लिए चली थी। इस परियोजना का जो खाका था, जो रूपरेखा थी, वो तैयार की थी के एन राज, एक अर्थशास्त्री के द्वारा। इस पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया कि शुरुआती दौर में हम क्या करेंगे, शुरुआती टाइम में हम जो अपने विकास की गति है उसको थोड़ा स्लो रखेंगे, क्योंकि अभी हमें हर एक चीज का मालूम नहीं है, तो तेजी से करेंगे तो हो सकता है हम पिछड़ जाए, तो हम धीरे धीरे करके अपना विकास करेंगे। और ये कहा गया कि हम विकास तो करेंगे धीरे से, लेकिन केवल एक क्षेत्र ऐसा होगा जहां पे हमें तेजी से विकास करना होगा, वो है कृषि का क्षेत्र। यानी कि पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के तेज विकास पर बल दिया गया। अब जब यहाँ पे कृषि के विकास पे बल दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया लगभग 2,300 करोड़ का बजट इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार किया गया। इस बजट का होगा क्या? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भी नहर परियोजना, भूमि सुधार कानून वगैरह ये जो हुए थे, इस संबंध में बीज उत्पादक, कीटनाशक, रसायन, इन सभी को किसान को उपलब्ध कराना, नवीन संसाधन उपलब्ध कराना, ये सभी इस 2,300 करोड़ के बजट में होना, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती। यहाँ पे इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में कुछ भूमि सुधार कानून हुए। कैसे कानून भाई? सबसे पहले ये कि कृषि पर तो बल दिया गया, फिर इसी के संबंध में सिंचाई के बारे में यहाँ पे बात की गई कि कैसे सिंचाई की जाए। तो सिंचाई को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कई बांधों का निर्माण किया गया, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। दूसरा, खेती में जमींदारी की प्रथा को समाप्ति कर, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये देखा गया अंग्रेजों के जमाने से जो जमींदारी प्रथा चली आ रही है, लोगों के पास बहुत सारी जमीन है, उतनी जमीन जितनी किसी 1,000 किसानों के पास में भी नहीं होती है, तो ऐसी जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमि जो थी वो छीन के लोगों को दी गई, ताकि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, चकबंदी अर्थात जमीन जो थी, जो जमीन मान लेते किसी व्यक्ति की जमीन, ये पूरा एक गांव है, अब एक व्यक्ति की जमीन यहाँ पे है, एक ये है, एक ये है, तो चकबंदी के तहत इन तीनों ही जमीन को एक जगह एकत्र करके दे दिया गया, ताकि कम समय में और अधिक उत्पादन वो एक ही जगह पे कर सके। अलग अलग जगह पे सिंचाई करना, बीज बोना, निराई गुड़ाई कटाई बुआई, ये सभी चीजें अच्छे से नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए चकबंदी की गई और खेती को सुविधाजनक बनाने के कार्य किए गए। तो ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता। खाका तैयार किया गया अर्थशास्त्र के राज के द्वारा, कहा गया कि विकास की गति हम धीरे रखेंगे, कृषि में अधिक विकास की बात की गई, लगभग 2,300 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया, बहुत से भूमि सुधार कानून किए गए, सिंचाई के लिए भाखड़ा नांगल जैसी बड़ी बांध परियोजनाएं चलाई गई, अंग्रेजों के जमाने से, मुगल काल के जमाने से चली आ रही जो जमींदारी प्रथा है इसको खत्म करके एक नई कृषि कृषि क्षेत्र की स्थापना की गई। ऐसा क्षेत्र जिसमें पहले लोगों की रुचि नहीं थी, अब वहां पर रुचि जागी, चकबंदी की गई, छोटे छोटे जमीनों को एक जगह कर दिया गया जिससे खेती आसानी से की जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता को देखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पे आई। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पहले एक पॉइंट और यहाँ पे ये है, कानून बनाए गए, अर्थात भूमि के संबंध में ये कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति कितनी भूमि अपने पास रख सकता है और कितनी भूमि बेच सकता है, उस भूमि पर क्या उसका अधिकार होगा, ये सभी इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए। अब आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी और इस 60 के दशक में ही भारत में पड़ गया था अकाल, और इसी अकाल की वजह से हमें एक एक वर्षीय योजना भी बनानी पड़ी थी। ठीक है, 1961 के बाद चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका रूपरेखा तैयार की गई थी पीसी महाल लोविस के द्वारा। बेसिकली जैसा कि हमने देखा, प्रथम में क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर जोर दिया गया था, तो इस योजना में जोर दिया गया उद्योगों के विकास पर।
आ गया कि उद्योगों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। घरेलू जो उद्योग थे उनको संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिया, अर्थात ये कहा गया कि चलो हम सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है इसमें उद्योगों पर ज्यादा ध्यान देंगे उसके विकास में। और ये कहा जितने भी घरेलू उद्योग हैं, स्वदेशी हमारे जो कारखाने फैक्ट्री हैं उनको हम संरक्षण देंगे, जिसके लिए बाहर से आने वाले किसी भी उद्योग पर और जो आयात माल होता है उस पर बहुत भारी शुल्क लगा देंगे, अर्थात टैक्स लगा देंगे। बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार, ऐसे उद्योग जो थे उन्हें सार्वजनिक रूप से विकसित किया गया ताकि लोगों तक उत्पादन आसानी से पहुंच सके कम मात्रा में और लोगों को रोजगार भी मिल सके। तो कहीं ना कहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों के मामले में सफल हो रही थी। ठीक है, जैसे राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ऐसे बहुत से स्टील इस्पात जो संयंत्र हैं वो विभिन्न देश जैसे कि यूएसएसआर की मदद से कुछ इस्पात संयंत्र यहाँ पे भारत में लागू किए गए, यानी कि बनाए गए। लेकिन यहाँ पे विवाद छिड़ गया। क्या विवाद छिड़ गया? कि उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए था, लेकिन किसी क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे कि खाद्यान्न संकट बनने लगा था। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक अपवाद है। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950 से 61 पीसी मालदोवीस के द्वारा परियोजना बनाई गई। उद्योगों का विकास पर बल दिया गया, आयात पर काफी ज्यादा शुल्क लगा दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में कई उद्योगों को विकसित किया गया, कई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। विवाद ये है कि उद्योगों के साथ साथ कृषि पर ध्यान देना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया, जिससे खाद्यान्न संकट बढ़ने लगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषताएं हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषताएं, आई होप आप समझ। अब इस संबंध में विवाद की अब हम बात करें कि आखिर मुख्य विवाद क्या है। तो विवाद बेसिकली दो तरह के हैं, एक है कृषि बनाम और एक है निजी बनाम। कृषि बनाम अर्थात कृषि क्षेत्र के विकास के संबंध में, निजी बनाम अर्थात निजी विकास के क्षेत्र के संबंध। तो समझिए, अर्थव्यवस्था में कृषि या उद्योग को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि विवाद ये था, लोगों का कहना ये था कि अर्थव्यवस्था में कृषि या उद्योग इसको प्राथमिकता दी जाए, इसको लेके काफी मतभेद थे। क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय जो योजना रही अभी हमने देखा जिसमें मुख्यतः उद्योग पे बल दिया गया, तो लोगों का मानना ये था कि उद्योगों पर बल देने के साथ उद्योगों को विकास करने के साथ कृषि क्षेत्र में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए था जिससे कि अकाल जैसी स्थिति नहीं आती। लेकिन कृषि क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे खाद्य संकट उभरने लगा। अब इस संबंध में कुछ नेताओं ने अपने बयान दिए, जैसे पहले नेता थे गांधीवादी अर्थशास्त्री जिनका नाम था जेसी कुमारप्पा। इन्होंने कहा एक वैकल्पिक योजना के खाके में ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया, अर्थात इन्होंने अपना एक वैकल्पिक एक तरीका दिया कि हमें ग्रामीण तौर पर उद्योगों को विकसित करना चाहिए। दूसरा चौधरी चरण सिंह, इन्होंने कहा नियोजन में कृषि को केंद्र में रख के हमें विकास करना चाहिए, अर्थात अगर अर्थव्यवस्था का विकास करना है, क्योंकि हमारी जो 80% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है और जो कृषि पर निर्भर है, तो ऐसे में अगर भारत का विकास करना है तो कृषि को केंद्र में रखो और फिर विकास करो। नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो गए, यानी कि जो भी पंचवर्षीय योजना है नियोजन के जो कड़ी अपनाई गई रास्ता अपनाया गया वो मुख्यतः था शहरी और समृद्ध लोगों के लिए, वो तो काफी ज्यादा मजबूत हो गए, जिसकी कीमत किसानों को चुकानी पड़ी, जनता को चुकानी पड़ी, वो और ज्यादा गरीब हो गए, लोगों के पास खाने की कमी हो गई, कुपोषण के शिकार हो गए, मृत्युएं होने लगी एक तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ आगे बात ये आई, कुछ और मत थे, कुछ मत ये थे कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि से गरीबी के मकड़ जाल से निकला जा सकता है। कुछ लोगों का मानना यह था कि यदि हम औद्योगिक उत्पादन तेजी से करते हैं तो इससे क्या होगा, पैसा आएगा, व्यापार होगा, और जो गरीबी फैली हुई है जिसमें पूरा समाज एक तरीके से अकड़ चुका है उससे हम बाहर निकाल सकते हैं। राज्य ने इसी संबंध में कुछ भूमि सुधार कानून चलाए, जैसा कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखे थे। ग्रामीण निर्धनों के बीच में संसाधनों के बंटवारे के लिए इसने कई सारे यहाँ पे कानून बनाए, अर्थात एक मत ये कहता था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि जो होगी तो गरीबी भी खत्म होगी, व्यापार होगा, मुद्रा आएगी।
इसी संबंध में राज्य के द्वारा भूमि सुधार कानून अपनाए गए ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई थी किसानों के लिए, देश के विकास के लिए, वो सभी की सभी नीतियां असफल रही। क्यों रही? क्योंकि देखो, नीतियां तो हालांकि लागू हो चुकी थी और कार्य भी चल रहा था, लेकिन उनका पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचना और लोगों तक उनको समझना, उनको अपनाना, यानी कि कार्यान्वयन करना, उनका घुलना मिलना, ये सही नहीं था। क्योंकि जो समृद्ध लोग, जो बड़े लोग थे, अभिजात लोग थे, उन्होंने कहा सरकार चाहे कुछ भी कर ले, वो इस क्षेत्र में चाहे कितना भी पैसा लगा ले, किसी क्षेत्र में वो इसे विकसित नहीं कर सकती है जब तक हमारे पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत है। ठीक है, तो मुख्य विवाद में कृषि बनाम उद्योग के बारे में आप क्या समझते हैं? आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट मुख्य विवाद में कृषि बनाम उद्योग, और दूसरा अब आता है हमारा यहाँ पे सेकंड, निजी बनाम उद्योग। अब ये निजी बनाम उद्योग क्या है? बेसिकली निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थात विकास के दो मॉडल, समाजवादी और उदारवादी यानी पूंजीवादी, दोनों में से भारत ने किसी को भी नहीं अपनाया। तो इसने अपनाया क्या? एक तो था पूंजीवाद, जिसमें देश का अगर विकास करना है तो वो पूरा निजी क्षेत्र पे होता है। समाजवाद, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म करके पूरा का पूरा नियंत्रण राज्य का होता है। तो भारत ने कहा ना तो हम पूंजीवाद अपनाएंगे, ना तो हम समाजवाद अपनाएंगे, हम अपनाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत के द्वारा एक मिले जुले विकास के मॉडल को अपनाया गया, जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या था? जो खेती है वो किसान, व्यापार, उद्योग, ये सभी दिए गए निजी क्षेत्रों के हाथों में, अर्थात निजीवाद के तहत, पूंजीवाद के तहत इसने क्या कर दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे क्षेत्र निजी क्षेत्रों में दे दिए, जैसे कि खेती, किसानी, व्यापार, उद्योग, ये ऐसे क्षेत्र थे, अगर ये निजी हाथों में नहीं जाएंगे तो लोग जो है इसमें उत्पादन करने में अधिक रुचि नहीं रखेंगे, मुनाफा नहीं कमाना चाहेंगे। फिर राज्य ने अपने हाथों में कुछ ही विषय रखे, जैसे कि देश में जो भारी उद्योग हैं, रेलवे, बिजली उत्पादन, आधारभूत संरचना, ऐसे उत्पादन, विदेश नीति, रक्षा मामले, शांति बनाए रखना, ये ऐसे मामले थे जो भारत ने अपने, राज्य ने अपने हाथों में रखे। लेकिन इस मुख्य विवादों की जो तुलना थी, चाहे वो कृषि बनाम उद्योग हो, चाहे निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र हो, इन सभी की आलोचना की गई किसके द्वारा? दक्षिणपंथी यानी कि पूंजीवाद, वामपंथी यानी कि समाजवाद। बेसिकली देखो, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? कहानी की शुरुआत हुई कि ये जो प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, इन योजनाओं की वजह से कुछ विवाद सामने वर्कर आए, जिसमें से सबसे पहले विवाद था कृषि बनाम उद्योग के बारे में, दूसरा यहाँ पे विवाद था हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। तो इस विवाद के संबंध में इन दोनों ही विवादों की आलोचना की गई किसके द्वारा? दक्षिणपंथी और वामपंथी। दक्षिणपंथी अर्थात आलोचना, दक्षिणपंथी अर्थात पूंजीवाद, इन्होंने कहा कि सरकार ने उतना कार्य नहीं किया है निजी क्षेत्र में जितना के कार्य निजी क्षेत्र में किया जाना चाहिए था, अर्थात निजी क्षेत्र को उतनी जगह नहीं मिली, विशाल सार्वजनिक क्षेत्र में ताकतवर निस्वार्थों को खड़ा कर दिया है, अर्थात जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें इन्होंने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया, ऐसे लोगों को वहां पे विकसित कर दिया है जो कि समाज में चेंजेस लाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। लाइसेंस तथा परमिट प्रणाली जो कि बहुविदेशीय कंपनियों के लिए जरूरी कर दी, ऐसे में उद्योग तो विकसित हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो आपने आयात शुल्क भी लगा दिया, लाइसेंस प्रणाली, परमिट प्रणाली ला दी, तो कोई कंपनी यहाँ पे क्यों आना चाहेगी, क्योंकि आधा टाइम तो उसका इसी में ही लग जाएगा। ऐसी चीजों के आयात पर बाधा उत्पन्न कर दी जिन्हें घरेलू आधार पर बनाया जाता, अगर घरेलू आधार पर टमाटर, आलू, प्याज उग रहे हैं तो ऐसे में कहीं देश से क्यों मंगाए, तो ऐसे पर बाधा उत्पन्न कर दी गई, या तो रोक लगेगी या तो माल के उत्पादन से ज्यादा उस पर शुल्क लगा दिया। ठीक है, निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पाद, अपनी गुणवत्ता, इसको सुधारने की कोई वजह नहीं होगी, जब मार्केटिंग ही नहीं होगी तो कोई अपना प्रोडक्शन को और क्यों बेटर बनाना चाहेगा। तो यही चीज यहाँ पे हुई कि जब मार्केट नहीं रही, उद्योग ज्यादा आएंगे नहीं, तो कोई क्यों अपनी गुणवत्ता में सुधार करना चाहेगा। सरकार ने अपने नियंत्रण से ज्यादा जो चीजें थी वो अपने हाथ में रखी हुई थी,
इन सभी की वजह से दक्षिणपंथियों का मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा। तो ये है निजी क्षेत्र बनाम क्षेत्र की जो आलोचना है दक्षिणपंथियों। लेकिन इसके वामपंथी भी आलोचना करते हैं, कैसे करते हैं, समाजवाद। अर्थात जिस तरीके से दक्षिणपंथी कहते हैं कि जितना सरकार को निजी क्षेत्र में करना चाहिए था उतना नहीं किया है, वही चीज वामपंथी कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, सरकार को जितना करना चाहिए था उससे उसने उतना नहीं किया। जनता में शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया सही तरीके से, चिकित्सा में भारत ने कोई मदद ज्यादा कुछ खास नहीं की है इस क्षेत्र में, यानी कि समाजवाद के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसे क्षेत्रों में आवास निर्माण, इसमें कुछ ज्यादा खास पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया है। सरकार ने सिर्फ क्षेत्र ऐसे नियम कायदे कानून बनाए हैं, ऐसे क्षेत्रों पर निवेश किया है जिससे केवल निजी क्षेत्रों को मुनाफा होता हो। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी जो कि इन्होंने पूर्ण तरीके से उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, हालांकि की है लेकिन उतनी नहीं। सरकार की वजह से एक नया मध्यम वर्ग उठ खड़ा है, अर्थात सरकार ने जो निजी क्षेत्र में जितना भी यहाँ पे निवेश किया है उसकी वजह से एक ऐसा वर्ग उठ खड़ा है जिसके पास जन्म से बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारा एक तरीके से कहते हैं जमीन जायदाद वगैरह, और एक तरफ यानी कि एक तरफ मध्यम वर्ग जिसके पास डेली की आय 10,000 रुपये है, एक तरफ ऐसा वर्ग जिसके पास डेली का एक वक्त का खाना भी नहीं है। तो ये कहानी शुरुआत कैसे हुई, कैसे यहाँ पे इनकी आलोचना होती है, ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो चुकी है, ठीक है। तो दक्षिणपंथी यानी कि पूंजीवाद ये कहते हैं निजी क्षेत्र में जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया गया है, निजी क्षेत्र को दबाने के लिए लाइसेंस परमिट प्रणाली का उत्पन्न बाधा उत्पन्न की गई है, अधिकतर कार्य अपने हाथों में ही रखे गए हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। मुख्य विवाद निजी क्षेत्र बनाम के बारे में वामपंथी, तो ये हो गया हमारा मुख्य विवाद के बारे में आलोचना। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी, कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। अब यहाँ पे बारी आती है कि चलो सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया, आधे से ज्यादा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अराउंड अब 20 मिनट और लगेंगे, 20 या फिर कह लो 15 मिनट, इतनी देर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। खाद्यान्न संकट 1960 का दशक, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो 1965 से 67 के बीच भारत के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पे सूखा पड़ गया था, या तो वहां पे बारिश नहीं हुई होगी या फिर नदियां सूख गई होगी या बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से सूखा पड़ गया, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा ये भारत के चीन 1961, भारत पाकिस्तान 1965, ये जो युद्ध हुए इसकी वजह से। तीसरा जब युद्ध हुए तो व्यापार वगैरह में कमी आई जिससे कि विदेशी मुद्रा का संकट आन पड़ा। तो इन सभी कारणों की वजह से भारत में खाद्यान्न यानी कि खाने के जो खाने पीने के चीजें होती हैं उनकी कमी होने लगी और जिसकी वजह से भारत में अकाल पड़ने की स्थिति आ गई। इस अकाल की स्थिति में सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण ये मतलब प्रभावित क्षेत्र जो था वो रहा है बिहार। बिहार के तकरीबन 8 से 9 ऐसे जिले थे जहां पर खाद्यान्न का कमी होने लगी। क्यों कमी होने लगी, क्योंकि जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही थी लेकिन उत्पादन अभी भी उतना ही था। तो संसाधन जितने हैं उस जनसंख्या के लिए, अगर जनसंख्या उससे डबल हो जाए तो संसाधन कम अपने आप हो जाएंगे, ठीक है, ये देखा गया। साथ ही साथ ये देखा उत्पादन नहीं है तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार होने लगे, पतले पैदा होने लगे, किसी को अन्य प्रकार की बीमारियां ऐसे बच्चे पैदा होने लगे, साथ ही साथ भुखमरी फैलने लगी। जिनके पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ चीजें नहीं है भुखमरी फैलेगी। इस अकाल की स्थिति में कई पशु कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। 1967 में मृत्यु दर पिछले साल की गुना 34% बढ़ गई, अर्थात यदि पिछले साल में 100 लोग मरे थे तो इस साल में लगभग 134 लोगों की मृत्यु हुई, और ये किसकी वजह से हुई, अकाल की वजह से, ठीक है। अब इस बिहार के क्षेत्र में खाद्यान्न की कीमतें जो थी उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। जब हमारे पास खाद्यान्न उतना ही है, हमारे पास देखो अगर पहले हमारे पास वस्तु 100 थी और जनसंख्या भी 100 थी तो इसका मूल्य था 10 रुपए एक वस्तु का, लेकिन अब जनसंख्या हो गई है 1000, तो अब इस वस्तु को सभी तक पहुंचाने के लिए इस वस्तु की कीमत कर दी गई 100 रुपए, अर्थात जो कीमतें थी खाद्यान्न की वो यहाँ पे कीमतें बढ़ गई। जैसे कि पंजाब की तुलना में गेहूं जो था
वो बिहार में 2 गुनी तुलना में, अर्थात पंजाब में गेहूं 10 रुपए किलो मिलता है तो बिहार में ये 20 रुपए का 1 किलो गेहूं यहाँ पे मिलता था। यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में और खाद्यान्न की कीमतों में यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। सरकार के द्वारा शोनिंग यानी कि इलाकाबंदी की नीति अपनाई गई, अर्थात सरकार ने कहा कि बिहार जो है वो किसी भी अन्य क्षेत्र से खाद्यान्न का व्यापार नहीं कर सकता है। जब इसे व्यापार की जरूरत थी तभी इसी ने इलाकाबंदी की नीति अपना ली कि हम भाई किसी भी व्यापार नहीं करेंगे, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से जब भारत का जो अहम क्षेत्र था बिहार, इसमें अकाल पड़ा तो मजबूरन भारत को अपने इस अकाल के सामने घुटने टेकने पड़े और गेहूं का आयात करना पड़ा और विदेशी मदद मांगनी पड़ी, खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ये ऐसा दौर था जब यूएसएसआर ने इंडिया के साथ में, ठीक है ना, इंडियन करेंसी यानी कि INR में उसके साथ में व्यापार करने को राजी हो गए थे। ठीक है, तो इसने अमेरिका से भी मदद मांगी जहां से इसने गेहूं आयात किया, सोवियत संघ से भी इसने विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पाद किया, वो भी इंडियन करेंसी में ट्रेड करके। ठीक है, योजनाकारों के सामने अब सबसे पहली प्राथमिकता, जब ये आर्थिक ये मतलब कि संकट आया तो जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी और जो योजना आयोग था, इन सभी क्रियाओं में ये देखा गया कि अब हमारे लिए सबसे अहम जो रोल है वो ये रहेगा कि सबसे पहले कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए। ठीक है, तो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो खाद्यान्न संकट क्या है 1960 के दशक का, बिहार किस तरीके से इसमें प्रभावित होता है, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अगले टॉपिक को डिस्कस करें। अगला टॉपिक है हरित क्रांति। तो ये जो हमारा खाद्यान्न संकट था, इस खाद्यान्न संकट के बाद ये तय किया गया कि 1960 के खाद्यान्न संकट के पश्चात भारतीय सरकार ने 1967 में खाद्यान्न के क्षेत्र में यानी कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, खाने पीने के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया। इसी कार्यक्रम को कहा गया हरित क्रांति। अब इस कार्यक्रम में क्या क्या बातें की गई, क्या क्या हुआ, तो इस कार्यक्रम में बेसिकली ऐसे क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया जहां पे कृषि के लिए संसाधन पहले से ही मौजूद थे और लोग वहां पे कृषि उत्पादन बहुत तेजी से कर भी रहे थे। तो सरकार ने कहा कि कम पैसे में कम समय में यहाँ पे उत्पादन तेजी से होगा, तो ऐसे क्षेत्रों को हम बढ़ावा देंगे जहाँ पे कृषि उत्पादन पहले से ही होता है और वहां पे संसाधन भी उपलब्ध है। पहले से सक्षम जो लोग हैं, जो कृषि उत्पादन लोग हैं, कृषि करने वाले लोग हैं, वो तेजी से इसमें विकास करने में सहायक होंगे। सरकार के द्वारा इन लोगों के लिए एक तो वित्तीय मुआवजा तैयार किया गया, साथ ही साथ उनके लिए उच्च गुणवत्ता के बीज तैयार किए गए, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई की सुविधा बड़े बहुत ही आसान मूल्यों पर, कम मूल्यों पर उन्हें मुहैया करवाए गए ताकि आसानी से हरित क्रांति को एक तरीके से हम कह सकते हैं अंजाम दिया जा सके। ठीक, सरकार ने यह भी कहा कि जो भी फसल आप उत्पादन करोगे उसका एक निर्धारित मूल्य हम तय कर देंगे और उसी के आधार पर आपकी जितनी भी फसल होगी उसे हम खरीद लेंगे, आप अपने खाने लायक अपने पास रख लो, बाकी फसल हमें बेच देना। अगर मतलब ऐसा तय कर दिया गया होगा कि 10 रुपए के हिसाब से हम आपके जो गेहूं है उसे खरीद लेंगे जब आपकी फसल कट जाएगी। तो हरित क्रांति खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया गया जिसके तहत ऐसे क्षेत्र जो पहले से ही सक्षम थे, मतलब जहाँ पे सिंचाई सुविधा और भूमि उपजाऊ थी, वहां पर ये कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया, उन्हें कीटनाशक, बीज, उर्वरक, रसायन मुहैया कराए गए, सिंचाई की व्यवस्था कराई गई ताकि खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके। हरित क्रांति के परिणामों की चर्चा, हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम। तो बेसिकली देखो, भारत जो था वो खाद्यान्न की फसलों का अधिक उत्पादन करने लगा। इस अधिक उत्पादन की वजह से खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया, यानी कि अब उसे किसी अन्य देश से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की, यानी कि अन्य देश से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन अब ये एक्सपोर्ट करने लगा, यानी कि पहले ये क्या करता था, इंपोर्ट यानी कि आयात करता था, खुद के देश में खाद्यान्न चीजें लेता था, लेकिन अब ये एक्सपोर्ट यानी कि दूसरे देश में भेजने लगा है, निर्यात करने लगा है।
नकदी फसलें यानी कि गन्ना कपास गेहूं ऐसी नकदी फसलों जो व्यापारिक फसलें हैं इन सभी का बहुत तेजी से उत्पादन किया जाता था। कृषि से संबंधित जो उपकरण होते हैं जो उद्योग होते हैं जैसे देखो कीटनाशक उद्योग हो गए रसायन उद्योग हो गए उपकरण मशीनें ऐसे जो उद्योग हो गए उनका विकास हुआ। तो इस उद्योगों के विकास की वजह से लोगों को रोजगार पहुंचा और आम नागरिकों को भी रोजगार मिला जिससे कि आर्थिक खुशहाली है। तो ये तो वो परिणाम है जो मैं बताते हैं कि हरित क्रांति एक सही मायने में तो सफल रही लेकिन हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं इसके भी दो पहलू रहे। नकारात्मक परिणाम अर्थात अनुचित लाभ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य थे जहां पर किसान बहुत ही तेजी से मजबूत हुए क्योंकि हरित क्रांति के स्वरूप इसी ऐसे यही क्षेत्र जहां पे बढ़ावा ज्यादा मिला। आर्थिक असमानता अमीर किसान और अमीर हो गया गरीब किसान और गरीब हो गया। तो इस संबंध में अमीर किसान के और अमीर होने की वजह से गरीब किसान के और गरीब होने की वजह से आर्थिक असमानता बढ़ गई जिससे कि एक किसान ऐसा था जो डेली का अपना फसल उत्पादन बहुत लाखों में कर लेता था मतलब कि उसके जो फसल उत्पादित होती थी वो लाखों में होती थी चाहे महीने के आधार पे हो या साल के आधार पे हो। और एक तरफ वो व्यक्ति थे जिनके पास खुद की भूमि भी नहीं होती। साथ ही साथ अधिक रसायन उपयोग की वजह से यानी कि आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक रसायन का उपयोग किया गया जिसकी वजह से जो उर्वरक क्षमता थी मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता वो उसमें कमी आ गई ठीक है जिसे बाद में हालांकि सुधार लिया गया। तो हरित क्रांति क्या है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया जिसके तहत किसी क्षेत्र से संबंधित जितने भी उपाय उपागम थे उसमें यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति के क्या परिणाम थे सकारात्मक परिणाम और हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम। एक छोटा सा टॉपिक है श्वेत क्रांति यानी कि मिल्क क्रांति दूध की क्रांति। तो 1970 के दशक में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से एक व्यक्ति जाने जाते थे जिनका नाम था वर्गीज कुरियन। इस व्यक्ति ने देखा कि मुझे दूध का जो उत्पादन है ठीक है चाहे भैंस का हो या गाय का हो इस उत्पादन को केंद्रीय स्तर पर लेके जाना है। तो इसने गुजरात के एक शहर आणंद से सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन चलाया अर्थात इसने एक फार्म स्थापित किया और लोगों को घर घर जाकर पहले ये बताया कि आप हमारे फार्म पे जो आपके जानवर दूध देते हैं वो लेके आओ और हम आपको बदले में पैसे देंगे। तो इसने ऐसे करके बहुत से अपने फार्म से स्थापित किए। दूध के उत्पादन को केंद्रीय स्तर पर फैलाव करने के लिए 1970 में इसने एक ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन फ्लड। इस ऑपरेशन के तहत केंद्रीय स्तर पर इसने इस दूध के उत्पादन को जोड़ दिया और केंद्र के स्तर पर यानी कि पूरे देश में अब दूध के उत्पादन को सामूहिक तौर पर एक फार्म लेता था उस फार्म से वो जो दूध है वो परिष्कृत करके पैकेट में डाल के जो आज हम ये दूध थैली वाला पीते हैं वो एक तरीके से उसी का ही परिणाम है इस क्रांति का। और जब इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में तब लगभग 25 लाख दूध उत्पादक शामिल थे और वर्तमान में तो न जाने कितने हैं इसमें ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा टॉपिक था श्वेत क्रांति के बाद ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आज का हमारा जो चैप्टर था कौन सा नियोजित विकास की राजनीति आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि कुछ यहाँ पे टॉपिक्स जो है वो आपको कंफ्यूजन वाले लगे होंगे ठीक है। योजना आयोग क्या है नीति आयोग क्या है फिर यहाँ पे देखा हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं साथ ही साथ यहाँ पे किस तरीके से विवाद है कृषि बनाम उद्योग के बारे में और फिर दूसरा विवाद था निजी क्षेत्र के बारे में जिसकी आलोचना की गई है दक्षिणपंथी यानी कि पूंजीवाद लोगों के साथ और फिर समाजवादी यानी कि वामपंथी लोगों के साथ। फिर यहाँ पे बात आ गई थी खाद्यान्न संकट की 1960 के दशक का बिहार इसमें जो था वो बहुत ही तेजी से मतलब बहुत प्रभावित क्षेत्र रहा था। इसी को देखते हुए भारत ने एक परियोजना कार्य चलाई जिसे कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के सकारात्मक नकारात्मक सभी परिणाम हमारे सामने निकल के आते हैं और श्वेत क्रांति क्या ठीक है। तो इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट और आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को समझ सके चैप्टर को समझ सके। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। लेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।